हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस YouTube चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या फिर कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या बहुत से फोटो एक साथ सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहते हैं या कई सारे फोटोज को अपने ईमेल से अटैच करके किसी को मेल करना चाहते हैं, तो इन सभी में आपको इमेज की एक लिमिट दी गई होती है कि केवल आप इतने ही साइज के फोटो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इमेज के साइज को रिड्यूस करने के लिए बहुत से ऑनलाइन और ऑफलाइन टूल्स होते हैं और आप इन्हें फ्री में अपने कंप्यूटर में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे ज्यादा साइज वाले इमेज को बिना क्वालिटी को कम किए कंप्रेस कर सकते हैं और उसे अपने ब्लॉग में या वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको दो तरीके से फोटो कंप्रेस करना सिखाएंगे। एक तो ऑनलाइन तरीके से फोटो को कैसे कंप्रेस करते हैं, दूसरा हम ऑफलाइन तरीके से बताएंगे कि कैसे फोटो को ऑफलाइन हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसी भी इमेज को डायरेक्ट हम ऑनलाइन कैसे कंप्रेस करते हैं। तो व्यूअर्स, किसी भी इमेज को ऑनलाइन कंप्रेस करना बड़ा ही आसान है। इसके लिए आप गूगल क्रोम पर टाइप करें www.imageoptimizer.net। तो यहां पर आपको बहुत सारी लिंक्स दिखाई देंगी। इनमें से आप सबसे पहले जो आपको लिंक दिखाई दे रही है ये वाली imageoptimizer.net, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरह की ये एक वेबसाइट ओपन हो गई है इमेज ऑप्टिमाइजर करके। व्यूअर्स, ये सबसे सिंपल वेबसाइट है किसी भी इमेज के साइज को रिड्यूस करने के लिए। इसमें हम ऑनलाइन तो रिड्यूस कर ही सकते हैं किसी भी इमेज के साइज को, इसके अलावा इसमें हम ऑफलाइन भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ बगल से ये डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये सॉफ्टवेयर के रूप में आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए कहेगा। तो आप उसको इंस्टॉल करके बाद में आप अपनी इमेज को ऑफलाइन भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको ऑनलाइन बताएंगे कि कैसे किसी भी इमेज को रिड्यूस करते हैं। तो इसके लिए आप जाएंगे यहाँ पर चूज फाइल पर, जहां पर भी आपकी फाइल डली हुई है उस फोल्डर को आप यहां से ओपन कर लीजिए। तो ये हमने व्यूअर्स अपनी फाइलों को ओपन कर लिया है। इसमें ये देखिए कुछ फाइलें डली हुई हैं, 4-5 फाइल्स हैं। अगर हम किसी भी फाइल का यहां पर अभी साइज देखें कि क्या साइज है, तो किसी भी इमेज पर राइट बटन क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टी पर जाएं। तो ये देखिए यहां पर ये बता रहा है कि ये 3.64 MB की फाइल है। वैसे तो ये पहले से ही छोटी है, लेकिन आप उसको और रिड्यूस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे, तो ये फाइल यहाँ पर अपलोड होगी। अब यहाँ पर इसकी क्वालिटी सेट कर सकते हैं कि आपको किस क्वालिटी में इसको रिड्यूस करना है। अगर आप बिल्कुल छोटा साइज रखना चाहते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप स्मॉल फाइल साइज इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वेरी स्मॉल फाइल साइज, और ज़्यादा इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप इसको रखिए, ठीक है। लेकिन यहां पर अभी हम इसको नॉर्मल रखेंगे और यहां ऑप्टिमाइज नाउ इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये फाइल ऑप्टिमाइज हो रही है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कॉर्नर में ये दिखा रहा है कि कितना परसेंट इसने ऑप्टिमाइज कर दिया है, ये देखिए। तो पहले इस फाइल का साइज 3 MB से ज्यादा था, लेकिन अब ये देखिए यहां पर उसने रिड्यूस कर दिया। अब इसकी फाइल की जो साइज है वो 596 KB, मात्र 596 KB की ये फाइल रह गई है। अब इस फाइल को अगर हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये देखें, यहां से हमने इसको डाउनलोड किया तो ये फाइल यहां पर डाउनलोड हो रही है। अब अगर हम इसको खोल के देखें कि कैसा परफॉर्मेंस है इस फाइल का, तो व्यूअर्स ये देखिए ये वो फाइल है जिसको अभी हमने रिड्यूस किया था। इसको यहां से अगर हम जूम करके देखें और देखते हैं क्या इसका परफॉर्मेंस है, तो ये देखिए व्यूअर्स, हम इसको काफी जूम कर रहे हैं लेकिन फिर भी इसका जो पिक्सल्स है वो उसी तरह से बरकरार है। तो व्यूअर्स ये देखिए उसने काफी अच्छी सफाई से इस फाइल के साइज को रिड्यूस किया है। तो व्यूअर्स, ये तो था कि कैसे ऑनलाइन इमेज की साइज को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। अब जानेंगे एक बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में जिसमें हम किसी भी इमेज के साइज को ऑफलाइन रिड्यूस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा। इसके लिए उस एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा और उस एप्लीकेशन का नाम है RIOT, रियोट। तो आइए इसको हम करके देखें। तो गूगल क्रोम पर हम यहां पर टाइप करेंगे RIOT और जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो जो लिंक दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करके उस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे।
ये वेबसाइट हमने ओपन कर ली है, ये जो डाउनलोड बटन है इस पर क्लिक करके उस एप्लीकेशन को हम डाउनलोड कर लेंगे जिससे हम इमेज के साइज को रिड्यूस करेंगे। तो ये हमारी फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गई है, अब इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद जब हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरह की आपको दिखाई देगी। व्यूअर्स, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है किसी भी इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो किसी भी इमेज को हमें ऑप्टिमाइज करना है तो उसके लिए यहाँ से हम उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे जहां पर वो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो ओपन पर क्लिक किया और यहाँ से हमने उसी फोल्डर को ओपन कर लिया था जहां पर हमने आपको ऑनलाइन इमेज को रिड्यूस करना बताया था। अब जैसे हमें इस इमेज की साइज को हमें रिड्यूस करना है तो पहले इसका साइज देखते हैं। तो राइट बटन क्लिक करके यहाँ पर प्रॉपर्टी पर हम देख लेते हैं कि इसका साइज क्या है। तो इसका साइज भी व्यूअर्स लगभग 3.72 MB का है। तो इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। तो ये इस फाइल का ओरिजिनल साइज है। जब हम इसको ओके करें तो ये देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि इसका जो ओरिजिनल साइज था वो 3.72 MB का था, लेकिन ऑप्टिमाइज करने के बाद इस इमेज का साइज हो गया 1.26 MB का। तो उसने लगभग 80% इसको रिड्यूस कर दिया है। अगर इसको और छोटा करना चाहते हैं तो इस बार को आप आगे पीछे करके जितना परसेंट आप इसको कम करना चाह रहे हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं। अभी देखिए हमने इसको और कम किया तो पहले 1 MB से ज्यादा हो रही थी, अब ये देखिए 953.16 KB की इमेज ये रह गई है। तो इस तरह से किसी भी इमेज को हम यहाँ से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब अगर इसे हम सेव करना चाहें तो यहाँ से हम इसको सेव भी कर सकते हैं। अगर इसको हम साइज बड़ा करके देखें कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या इसके पिक्सल फट रहे हैं, तो नहीं। ये देखिए जैसा हमें यहाँ पर ओरिजिनल फाइल दिखाई दे रही है उसी तरह की ये जो हमने ऑप्टिमाइज की है इस फाइल को वो वाली हमें दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर पिक्सल में अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ इसका साइज छोटा हो गया है, बाकी इसकी क्वालिटी में कोई भी अंतर नहीं आया है। तो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है किसी भी इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर नाम दे दें, हमने इसका नाम A1 दे दिया और इसको सेव पर क्लिक कर दिया। तो इस तरह से आप इस इमेज को सिर्फ JPG में ही सेव नहीं कर सकते, आप इसको PNG और GIF फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ आपको एक इमेज को ऑप्टिमाइज किया है। अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा इमेजेस एक साथ ऑप्टिमाइज हो जाए तो वो भी आप इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत खूबसूरती से कर सकते हैं। अब हम एक साथ कई सारी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर बैच पर। अब ये आपसे यहाँ पर कॉम्प्रेस टू साइज यानी आपसे फाइल का साइज पूछ रहा है कि आप जो इमेजेस यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं उनका सबका साइज कितना रखना चाहते हैं। तो यहाँ आप कोई भी एक साइज रख सकते हैं। अगर 1 MB का रखना चाहते हैं तो 1024 डाल दीजिए, अगर उससे भी कम का रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम 1 MB से थोड़ा कम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अभी 900 KB की साइज की सारी इमेजेस को कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ से आप अपनी इमेजेस को सिलेक्ट कर लीजिए। तो सारी इमेजेस यहाँ से हमने सिलेक्ट कर ली। अगर इनका हम साइज देखना चाहें तो राइट बटन क्लिक करें और यहाँ प्रॉपर्टी पर जाएं तो ये देखिए ये बता रहा है कि अभी इन सारी फाइलों को मिला के इनका साइज हो रहा है करीब 16.5 MB का हो रहा है, 16.5 MB। तो ये सारी इमेजेस हमने यहाँ पर ऐड करा ली। इसके बाद अब ये आउटपुट फोल्डर पूछ रहा है तो यहाँ हमने आउटपुट फोल्डर, एक हमारा फोल्डर है ये फोटोज, एक फोल्डर है इसमें हम उस बैच फाइल को बनाना चाहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए सारी वर्किंग स्टेटस इसका दिखा रहा है। तो धीरे धीरे करके ये सारी इमेजेस का साइज रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम क्लोज करें और उस फोल्डर को खोलें जिसमें हमने यहाँ इन सभी फाइलों को ऑप्टिमाइज किया था। तो ये देखें यहाँ पर जिस इमेज को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके नीचे यहाँ इसका साइज दिखा रहा है, किसी का 895 KB का साइज है, किसी का 893 KB का साइज है, किसी का 888 KB का साइज है। तो इस तरह से ये सारे के सारे इमेजेस उसने 900 KB के अंडर में रिड्यूस कर दिए हैं। अब आप इन सभी इमेजेस को एक साथ कहीं पर मेल कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट में इनका यूज कर सकते हैं। तो कम साइज में आप ज्यादा से ज्यादा फोटोज को यूज में ले सकते हैं। तो काफी अच्छी एप्लीकेशन है ऑफलाइन किसी भी इमेजेस के साइज को रिड्यूस करने के लिए।
तो व्यूअर्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।